अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर इस तरह फुल स्क्रीन ट्रेनिंग स्ट्रेटजी जो बनाना चाहते हो अपने फोन पे, तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम है एबी प्लेयर। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एबी प्लेयर प्रो का लिंक दे दिया हूँ, उसी लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह वीडियो पाने के लिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई 10 Shorts। इस ऐप की हेल्प से आप मनी को डबल कर सकते हो। उसके अलावा ये ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। ये एक क्विज गेम की एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप क्विज खेलकर मनी को डबल कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है। ऐप आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाती है। इसके अंदर सबसे पहले साइन अप करके अपना अकाउंट बनाना है, उसके बाद OTP आता है साइन अप करने के लिए। यहाँ पे आपको डिटेल सही से डालना है। जैसे आप साइन अप कर लोगे सिंपली आपको 50 Dots दिख जाएंगी, आपको बोनस पॉइंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल सही से डालना है। इसका जो मिनिमम रिडीम पॉइंट है वो है 200। यहाँ पे आपको कई तरीके का क्विज गेम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप कोई भी क्विज गेम खेल सकते हो अलग अलग तरीके से और अपनी अर्निंग को भी अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा गेम है। लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने के बाद ये जो ऐप है इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे ऊपर में जो बॉक्स की तरह आइकन होगा उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे बीच में लिखा रहेगा लोड फ्रॉम फाइल, तो इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। टेम्पलेट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको मेरा दिया हुआ लिंक से कोई भी फाइल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेम्पलेट डाउनलोड कैसे करें, वो वीडियो पहले देख लीजिए। टेम्पलेट डाउनलोड होने के बाद जिस फोल्डर पर रहेगा उस फोल्डर को ओपन करना है। उसके बाद टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। टेम्पलेट का जो नाम रहेगा विजुअलाइजर AP 203। टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद देखिए लास्ट में जो बॉक्स है इधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद बैकग्राउंड पे कुछ इस तरह आ जाएगा। ऊपर में सेकंड नंबर पे जो पेंसिल का आइकन होगा उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऑडियो पाउडर के नीचे जो इमेज लिखा है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद कस्टमाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद पिक इमेज पे क्लिक करके इधर आपको इमेज सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस इमेज पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं इधर एक इमेज सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसका लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इमेज सिलेक्ट करने के बाद बैक आ जाना है। उसका नीचे लिखा है ब्लूअर इफेक्ट, तो उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में जनरल पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपको विजिबल कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है। उसके बाद देखिए उसका नीचे लिखा है इमेज, तो उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद कस्टमाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद पिक इमेज पे क्लिक करके इधर आपको वही इमेज या तो फिर दूसरा इमेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर जो भी आप इमेज सिलेक्ट करेंगे वो उस इमेज का साइज स्क्वायर साइज में होना चाहिए। दूसरा साइज भी हो जाएगा लेकिन स्क्वायर साइज में देंगे तो वो अच्छा होगा। तो इसलिए मैं इधर एक स्क्वायर वाला इमेज सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और दोनों इमेज का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक ही फाइल पर आपको दे दूंगा। उसका नीचे लिखा है इमेज, तो उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में ब्लूअर लिखा है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इधर ब्लूअर एनेबल रहेगा तो इसको आपको अनटिक कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है। उसके बाद लास्ट में लिखा है टेक्स्ट, तो उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में अपीयरेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे चैनल का नाम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से मेरे चैनल का नाम के ऊपर क्लिक करके आप अपना चैनल का नाम या तो फिर अपना नाम दे दीजिए। उसके बाद बैक आ जाना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में ऊपर में जो 3 लाइन है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लाइब्रेरी पे जाना है। लाइब्रेरी पे जाने के बाद इधर आपको गाना सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस गाना पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। गाना सिलेक्ट करने के बाद फिर से वही 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद विजुअलाइजर पे जाना है। उसके बाद राइट साइड में ऊपर में जो एरो का आइकन होगा उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा तभी आपका जो वीडियो है फुल स्क्रीन में सेव होगा। इधर देखिए लिखा है वीडियो वेट और वीडियो हाइट, तो वीडियो वेट की जगह में आपका फ़ोन पे जो भी लिखा रहेगा उसको काट के इधर आपको लिखना है 1080, और वीडियो हाइट का जगह में आपका फ़ोन पे जो भी लिखा रहेगा उसको काट के इधर आपको लिखना है 1920। उसके बाद नीचे आके इधर आपको एक्सपोर्ट पर ही क्लिक करके वीडियो सेव करना है तभी आपका जो वीडियो है फुल वीडियो में सेव होगा। अगर आपका वीडियो सेव में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या तो फिर टेम्पलेट लोडिंग के टाइम वार्निंग ओल्ड वर्सन करके कुछ एरर आ रहा है तो उसका बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए तब तक के लिए जय हिंद।